डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि पता है, हम लोग अभी पॉलिनोमियल नामक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 2.3 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक से डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो टॉपिक लिया जाए फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, हम लोग पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन को आज पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं देखेंगे। एग्जांपल में एक क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जामिन वेदर, एग्जामिन वेदर एक्स प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ कितना, तो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड ऑफ टू एक्स प्लस फोर बोल रहा है। सवाल देखिए, एग्जामिन वेदर, एग्जामिन वेदर का मतलब चेक कीजिए, जांच कीजिए कि क्या एक्स प्लस टू इसका एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर फाइव एक्स प्लस सिक्स का फैक्टर है या फिर टू एक्स प्लस फोर का फैक्टर है। तो दोस्तों, जिसका फैक्टर हमें चेक करना होगा, जैसे यहाँ किसका चेक करना है, एक्स प्लस टू का, तो एक्स प्लस टू का फैक्टर को चेक करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे सिंपली। तो सबसे पहले x प्लस टू पर चेक करते हैं, तो जिसका चेक किया जाता है उसका इक्वल टू ज़ीरो किया जाता है। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे, सिंस चूँकि x प्लस टू का वैल्यू ज़ीरो, तो इसलिए x का वैल्यू कितना, माइनस टू। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, माइनस टू हो गया। अब x का वैल्यू अगर माइनस टू हो गया, उसके बाद गिवन, क्या गिवन हमें, पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। पी एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसलिए पी माइनस टू का वैल्यू निकालिए। यानी कि जिसका फैक्टर हमें चेक करना होता है दोस्तों, उसको इक्वल टू ज़ीरो करते हैं। इक्वल टू ज़ीरो करने के बाद एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एक्स का वैल्यू जो निकल गया, उस एक्स के वैल्यू को हम लोग पी एक्स का जो मान दिया है उसमें रखेंगे। अगर उसको रखने के बाद अगर ज़ीरो आता है तो हम बोलेंगे कि एक्स प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ इतना। अगर नहीं आता है तो लिखेंगे एक्स प्लस टू इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो x की जगह पे कितना रखना है हमें, माइनस टू। तो यहाँ पर रखिए माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स। तो माइनस टू का क्यूब कितना होता है, माइनस एट, प्लस माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर। तो यहाँ हो जाएगा थ्री इंटू फोर, प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, फाइव टू जा टेन। यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं। क्यों गुना करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई और प्लस में कितना, सिक्स। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितना आ रहा, तो माइनस एट और फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस टेन प्लस सिक्स। अब आप देख पा रहे होंगे प्लस को हम लोग एक साथ करते हैं, तो बारह और छः कितना हो गया, अठारह, और माइनस में आठ और माइनस में दस माइनस अठारह, टोटल कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे लिखेंगे हेंस हम लोग अगर जिसका फैक्टर चेक करना होता है उसको इक्वल टू ज़ीरो करते हैं। ज़ीरो करके एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स का वैल्यू निकलने के बाद पी एक्स में उसका मान रख देते हैं। फिर अगर जीरो आ जाता है तो हम लिखेंगे हेंस एक्स प्लस टू
इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट में हमें 2x प्लस फोर पर चेक करना है कि क्या 2x प्लस फोर भी इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ लिखेगा सिंस 2x प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो ये प्लस में 4 है, उधर जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, माइनस टू। तो एक्स के जगह पे भी कितना आ रहा है, माइनस टू। तो चूंकि गिवन है हमें क्या, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो हम लोग जिसका फैक्टर चेक करना होता है उसको जीरो के इक्वल करते हैं, तो जीरो के इक्वल करके एक्स का वैल्यू निकाल दिए। अब एक्स का वैल्यू जो आया वहाँ पे पी एक्स की जगह पे हम लोग जो वैल्यू रखें पी माइनस टू। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहाँ पे कितना रखना है, माइनस टू, माइनस टू का क्यू प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स। दोस्तों माइनस टू का क्यू का मतलब माइनस एट, प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर मतलब फोर, प्लस माइनस माइनस, फाइव टू जै टेन प्लस सिक्स। आप देख पा रहे होंगे माइनस एट, बारह, बारह और छः अठारह हो गया, और माइनस आठ, माइनस दस, माइनस अठारह, यहाँ पे भी जीरो आ गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 2x प्लस फोर भी क्या है, एक फैक्टर है किसका, तो एक फैक्टर है पी एक्स का। तो यहाँ लिखेंगे हेंस, अतः 2x प्लस फोर इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स का मतलब ये एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, यानी कि इसका एक फैक्टर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। ये कुछ अलग तरीके का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर टू। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर टू में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि के का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। कब, जब इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के। यानी हमें यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है कब, जब एक्स माइनस वन जो है एक फैक्टर है पी एक्स का। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में सिंस, सबसे पहले ये चूंकि फैक्टर है, ये फैक्टर है इसका, तो जिसका फैक्टर होता है उसको हम लोग इक्वल टू जीरो कराते हैं। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, वन। नाउ गिवन, गिवन एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ एक्स, फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के। ठीक है, ये हमें गिवन है x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के, ये फैक्टर है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पी एक्स का वैल्यू किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। और पी एक्स का वैल्यू कितना दिया है, तो फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर।
एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। अब एक्स का वैल्यू कितना रखना है यहाँ पे, वन, तो आप एक्स का वैल्यू को वन रखेंगे, फोर इंटू वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन प्लस के इक्वल टू जीरो। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फोर इंटू वन का क्यूब, तो वन का क्यूब कितना होता है वन, और उसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, वन का स्क्वायर वन, उसको थ्री से मल्टीपल करेंगे, माइनस फोर को वन से मल्टीपल करेंगे फोर, प्लस के इक्वल टू जीरो। फोर और फोर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बच रहा है थ्री प्लस के इक्वल टू में जीरो, इसलिए के का वैल्यू कितना होगा, इधर प्लस में थ्री है उधर जाएगा तो माइनस थ्री, तो के का वैल्यू हमें कितना आ गया माइनस थ्री आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये दोनों एग्जांपल से क्लियर हो गया हम लोगों को, फिलहाल हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमें एनसीईआरटी के कैसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो एक्सरसाइज 2.3 अब एक्सरसाइज 2.3 में हम लोगों को क्या मिलने वाला है और क्या रहेगा, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 में सबसे पहले हम लोग चीज़ों को समझेंगे, तो कुछ इस तरीके से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ एक्स प्लस वन। देखिए बोल रहा है सबसे पहला में आप लिखेगा सिंस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया माइनस वन, एक्स का वैल्यू माइनस वन आ गया। अब दोस्त जो वैल्यू एक्स का वैल्यू माइनस वन आया, अब इसमें हम लोगों को चार सवाल है, एक दो तीन चार, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, ये सवाल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू किस में माइनस वन रखेंगे कि वो जीरो आ जाएगा, तो पहला में हमें पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये पहला का सवाल है। दूसरा में पी एक्स दिया हुआ है एक्स के पावर फोर, एक्स के पावर थ्री एक्स के प्लस वन, और तीसरा में पी एक्स दिया हुआ है एक्स के पावर फोर, थ्री एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। इसी तरीके से चौथा में भी हमें पी एक्स दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है दोस्त, कि एक्स का वैल्यू जितना दिया हुआ है निकला हुआ है, बारी बारी से सभी ऑप्शन में चेक करना है। जैसे हम एक को चेक करके दिखाते हैं, हम पहला ऑप्शन को सॉल्यूशन करते हैं, अगर जिसमें एक्स का वैल्यू जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे इसका मान रखेंगे, अगर पी एक्स का वैल्यू जीरो आ जाता है वो ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो पहला क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसलिए हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे पी माइनस वन, एक्स जहाँ जहाँ है माइनस वन रखेंगे, तो यहाँ बनेगा माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। अब माइनस वन का क्यूब करेंगे तो कितना होगा माइनस वन, प्लस माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो कितना वन, माइनस वन प्लस वन। आप देख पा रहे होंगे कि माइनस वन प्लस वन कट गया, यानी कि इसका जीरो आ गया, तो हम लोगों का पहला में भी इसका फैक्टर हो जाएगा। यानी कि ऐसे ही चारों ऑप्शन को चेक करना है कि कौन कौन से में जीरो आता है, ठीक है। एक्स का वैल्यू सब में कितना रखना है माइनस वन, ये दिख रहा है ना, यही माइनस वन को आपको चारों ऑप्शन में, पहला में तो हम रख के दिखा दिए कितना आ गया जीरो, तो पहला हो गया करेक्ट, यानी लिखेंगे इट इज अ फैक्टर ऑफ एक्स प्लस वन, यानी कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये एक्स प्लस वन का फैक्टर है या होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा होगा कि नहीं, तीसरा होगा कि नहीं, चौथा होगा कि नहीं, इसी को आपको खुद से चेक करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, दूसरा में भी p माइनस वन रखना है, ठीक है। और p माइनस वन रखेंगे तो हम खुद पता चल जाएगा x की जगह पे माइनस वन रखेंगे,
और एक्स की जगह पर माइनस वन रखने के बाद अगर जीरो आता है तो हम बोलेंगे कि हम लोगों का ये फैक्टर है, अगर नहीं आएगा हम बोलेंगे कि कोई फैक्टर नहीं है। तो आप प्लीज़ क्या करना है आपको होमवर्क्स में, दूसरा तीसरा चौथा ये तीनों क्वेश्चंस को, चौथा आप बुक से देख लीजिएगा क्वेश्चन, अगर नहीं है तो हम लिख ही देते हैं। चौथा में पी एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में टू प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का पी एक्स का वैल्यू चारों का चारों दिया हुआ है। अब ये चारों जो पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है इससे आप x का वैल्यू पुट करके x के जगह पर कितना रखिएगा माइनस वन, सब में माइनस वन रखना है, जिसमें जीरो आ गया तब हम बोलेंगे कि वो फैक्टर है, अगर जिसमें जीरो नहीं आया हम बोलेंगे फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से आपको हम तीन वर्क्स देते हुए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, तब तक धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।